क्लासमेट को कौन लिखता है जानू, हमें बड़ा चलाने आया है। दोस्त है वो, जिगरी दोस्त है, जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त। ऐसे भाग तो नहीं बोलने का मेरे को, पहले वीडियो शूट करना चाहिए ना। अरे भाई ये सब ब्लॉग नहीं बनता। सुनो, कॉल करो, देख लो ऑडियंस कैसे करेगा। मार अंकित भाई इसको, थप्पड़ मारो। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आप देखो, शुरुआत से ही आज के इस वाले व्लॉग में हमें एक पोपट देखने को मिल चुका है। आपको पता होगा हमारा व्लॉग 1 बजे अब डेली के डेली आ जा रहा है, लेकिन आज अभी जो है 2 बज चुके हैं, अभी तक व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने एडिट करके अपलोड पे लगा दिया 12 बजे ही। 12 बजे से लगा पड़ा है भाई, पता नहीं इंटरनेट स्पीड आ ही नहीं रहा है। अभी भी 16 मिनट बता रहा है, 2 बज चुके हैं, नहीं 15 मिनट बता रहा है अभी। 82% हो चुका है। अब देखते हैं ये कब तक अपलोड होता है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। कल रात से ही हमारे साथ पोपट हो रखा है। अभी एक और पोपट मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ कि कल रात को जो है ना, हमारा जो गैस है ना वो खत्म हो गया। तो रात को तो कहीं गैस भरवा नहीं सकते थे भाई। ये तो सही है कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा था, वरना भाई हम ऐसे भूखे ही सोते। फिलहाल अभी भी गैस नहीं डलवा के आए हैं हम लोग। अभी जो है कुछ रोटी बना रही है काजल, इसी वाले चूल्हे के ऊपर, इलेक्ट्रिक वाले, और वो भी देखो पैन के अंदर, क्योंकि ये चूल्हा जो है इसके लिए अलग अलग बर्तन लाया जाता है जब जो है काम करता है। और हमारे पास एक पैन है और एक कढ़ाई वढ़ाई है, बस खाली सिलेंडर शाम को लेके आएंगे भरवा के। भाई इसके अंदर कौन रोटी बनाता है भाई देखो कैसी कैसी रोटी बन रही है। अरे सुंदर सुंदर रोटी बना दी गाइस। देखो कहीं पे भी रोटी बन सकती है, बस टैलेंट होना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं है। नहीं है भाई, मतलब है भाई, है शाबाश शाबाश। जैगी है गाइस, आज का नया कारनामा, बोतल देखो लेके भाग रहा। पकड़ 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 पकड़। अब ये बोतल नहीं देने वाला, पूरे फाड़ के ही देगा। फिलहाल गाइस जो अभी व्लॉग अपलोड हो रहा है ना, वो आपने देख ही लिया होगा। और ये देखो अपनी केटीएम घर पे है, इसके साथ प्रैंक हो गया, प्रैंक। जैली तुमने खाना खा लिया? खा लिया? वे वे वे। तो गाइस फिलहाल अभी चलते हैं, सिलेंडर वगैरह डलवा लेते हैं, सिलेंडर नहीं, सिलेंडर के अंदर गैस डलवा लेते हैं, वरना फिर भूखे रह जाएंगे। अरे बात एक ही है। अरे इस पे आएगा अभी, पहली बार सिलेंडर डाल रहे हैं केटीएम पे, प्रॉब्लम होगा ले जाने में। जियो भाई पीछे पैर पे रख लेगा, ये बहादुर लड़का है। चल भाई, इतनी मुश्किल से हम लोग लेके जा रहे हैं ना सिलेंडर, मैं बता रहा हूँ ये बाइक्स गाइस किसी काम की नहीं है। बस एक आदमी आराम से बैठ के चल सकता है, ज्यादा ज्यादा दूसरा बंदा बैठ सकता है, तीसरा बंदा, या फिर कुछ काम नहीं हो सकता इन बाइक्स पे। बताओ एक सिलेंडर तक नहीं जा रहा भाई, पापा देखेंगे ना, कहेंगे इस बाइक को हटा भाई, बेच इसको, किसी काम की नहीं है ये, पेट्रोल इतना ज्यादा लेती है और काम कुछ करती नहीं है। केटीएम मतलब क्या होता है पता है, राउंड टू हेल की वीडियो में भी वो बोलता है खत्म खत्म, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय, केटीएम ले आया तो तुमने कुछ नहीं कर सकते। अरे यहाँ पे कहीं एटीएम था भाई, तो भाई सबसे पहले एटीएम से कुछ पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश ही चलता है, पेटीएम फोन पे वगैरह ज्यादा नहीं चलता। भाई ये कौन सा मिथ होता है भाई कि अगर एटीएम से पैसे निकालो ना तो फिर उसको गिनो। अभी एक अंकल जी थे, उन्हें आता नहीं था एटीएम से पैसे निकालने, मैंने निकाला, पैसे आए, उन्होंने कहा इसको एक बार गिन के बताना कितना है। अरे यार उन्होंने जितना बोला था उतना ही मैंने निकाला, एटीएम गलत थोड़ी ना पैसे देगा, ऐसा कम ज़्यादा थोड़ी दे सकता है, बट फिर भी लोग गिनते हैं। हाँ आज तो चश्मा वश्मा लगा के आया एकदम पटाखों की तरह। तो बेसिकली हम लोग जो है सिलेंडर लेने के लिए नानी के यहाँ आए हैं, क्योंकि मामा जो है गैस भरवा के रख लिए थे, यहाँ से हमें लेके जाना है, क्योंकि हम तो नहीं भरवा सकते थे ना। अभी हम लोग आए हैं नानी के खेत में मूली उखाड़ने के लिए, ताज़ी ताज़ी मूली, मस्त एकदम अच्छा सा उखाड़ना। ओ नानी ने पूरा दम लगा दिया भाई। ये देखो इस पेड़ में भी एक फल होता है, और इसमें ना पीने का भी कुछ होता है, नहीं बताऊंगा क्या होता है, दारू की तरह ही रहता है वो। और दारू पीने वाले नशेड़ी ना इसी से काम चला रहे हैं आजकल,
क्योंकि इधर जो है ना दारू वगैरह बैन है, सरकार ने बैन लगा रखा है। तो गाइस फिलहाल अभी जो है वो टाइम जो है, और गाइस देखो ये अंकित भैया, बेसिकली हम लोग सिलेंडर वगैरह तो लेके आ चुके थे और अंकित भैया भी आज हमारे साथ। हेलो हेलो। तो अभी मैं जो गाइस थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। देख क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या चल रहा है विपुल, देखो क्या चल रहा है यार। देखो ये वीडियो शूट नहीं कर रहा। जैकी क्यों परेशान हो रहा है? वीडियो शूटिंग के बहाने क्या कर रहा है फोन में? कट कर दूंगा। देखो क्या चल रहा है। व्हाट्सएप? अरे भाई, अरे व्हाट्सएप ऐसे पर्सनल चैटें चल रही है, पर्सनल चैटें नहीं दिखाते ब्लॉग में। तू तो वीडियो शूट करने जा रहा था ना, फोन क्यों चला रहा है? अब यही करेगा ये। देख लो क्या है भाई, देख लो क्लियर कर दो। देख लो ये क्या है, यही सब करेगा ये। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ये ऑडियंस को दिखाओ क्या करता है ये तुम्हारा कॉम्बैट। पढ़ो पीयूष, तुम पढ़ के दिखाना क्या कर रहा है। लिखा है सुनो कॉल करो, तो नहीं करिए ना, रुक जा। तू वीडियो शूट करने के बहाने टाइम वेस्ट करता है ना कंप्यूटर के सामने बैठ के। प्लीज करिए ना। नो अंकित भैया ने इसका चीटिंग पकड़ा है, डेली ऐसी करता होगा ये। चलो गाइस, किसी ने कुछ नहीं देगा गाइस, वो वैसे ही बस। चलो एडिटिंग करते हैं वीडियो की। चलो देखो बढ़िया से आज क्लियर कर दो। यार देखो, अरे भाई ये सब ब्लॉग नहीं बनता। सुनो कॉल करो, देख लो ऑडियंस। यही कमेंट करता है। अभी लगाते हैं फोन, रुको गांव में। ये देखो नंबर। किसे किए हुए, किस नाम से? वीडियो एडिट करता नहीं है, सुबह तक सोया रहता है 12 बजे तक। जानू का नाम से नंबर सेव किए हुए है, चैटिंग में लगा। अबे वो सानू जानू है, सानू है भाई। चैट एडिटिंग छोड़ा, चैटिंग में 12 बजे तक रहता है, सुबह 12 बजे तक सोता है। हाँ एडिट तो करता नहीं है। सानू को लिखा हुआ है, कॉलेज का दोस्त है मेरा। अरे जानू लिखा हुआ है वो। अरे वो स्पेलिंग गलत लिख जाती है मुझसे। आज इसने ब्लॉग भी लेट डाला है, सुबह एडिट करता है हमेशा, बोलता है मैं रात को एडिट करता हूँ। सानू को जानू लिख देता हूँ। क्लासमेट को कौन लिखता है जानू, हमें बड़ा चलाने आया दोस्त है वो, जिगरी दोस्त। ऐसे नाम तो नहीं बोलेगा मेरे को, पहले वीडियो शूट करना चाहिए ना। जिगरी दोस्त जैकी बीसी को बड़ा बार बोलूंगा, सोना बोलूंगा, कैसे करेगा? मार अंकित भाई इसको, थप्पड़ मारो, जैकी भी नहीं बचाएगा। जैकी भी नहीं बचाएगा, चाटे मारेंगे भैया। तो जिसके फोन से ये ब्लॉग बन रहा है ना, उसका पासवर्ड मुझे बता दो, सारी चैट दिखा दूंगा इनकी। जैकी काजल जैकी सही समय पे मांगी, मुझे पता था कुछ अति होगा। पीयूष तो सो जाता है, कुंभकरण है। पीयूष का फोन दिखाइयो एक बार, पीयूष का फोन दिखाता हूँ। ये कुंभकरण है, पीयूष सो जाता है, ये अपने रात भर जगा रहता है। अरे यार देख लो तुम, पीयूष करता है ये सारे काम। एडिटिंग तो 12 बजे तक नहीं होती, इतना टाइम लगता है एडिटिंग करने में। रात को क्या करता है, मूवी देखता है और चैटिंग करता है। वीडियो एडिटिंग तो सुबह होता है। चैटिंग किससे करूंगा यार मैं, हद है यार। फोन दिखा रहा, फोन ला दे, वो फोन ला। लो यार तुम देख लो, लोग को मेरा दोस्त है। अरे हम तो आज देख रहे हैं, हम लोग कभी नहीं देखते थे। अरे फोन तो दिखा ना दोस्त है तो फिर। आज अंकित भैया आया ना, तेरी पॉल पट्टी खुल गई। ले पासवर्ड क्या है तेरा, कर लो भाई पासवर्ड क्या, अनलॉक कर लो, मुझे खुद नहीं पता पासवर्ड। नहीं मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा भाई, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। वो जैकी भी कर रहा है, जैकी भी बोला कि नहीं यार एक्सपोज करना है जैकी, इसको मुंह दिखाने लायक नहीं भाई मैं। लो खोलो इसका पासवर्ड, तेरे को नहीं पता है? नहीं मेरे को पासवर्ड ही नहीं पता। अच्छा बताना, तेरा दोस्त है ना बोल रहा है तू? अरे यार छोड़ो, दोस्त है ना। बोल तो भैया के फोन से वीडियो बनाने लगी, मैं मुंह दिखाने लायक ही नहीं हूँ, खुलेगा ही नहीं। जाके बजा इसको, तेरा ब्लॉग नहीं बनाता, काम पासवर्ड बता। चल ठीक है, मेरा दोस्त के मान ली, पासवर्ड बता। हैं देखते हैं पासवर्ड बताओ। हाँ लिखो यार, 9977 रोडी बदरपुर पत्थर। चल इसको फोन ही नहीं मिलेगा। बाय बाय गाइस, इस वाले ब्लॉग में इतना ही गाइस। ये पता नहीं पागल हो रखे हैं, ऐसे कोई ब्लॉग बनाता है क्या? बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय क्यों, जब सच्चाई निकल रही है तो है ना अंकित भैया, सच्चाई निकल रही है, निकाल लो भाई, सच्चाई निकल रही है तो यार निकल गया, बात नहीं करूंगा मैं। अभी सच्चाई नहीं निकलती ना तो कंटिन्यू वीडियो चलता रहता है इसका। वीडियो
चैटिंग हाँ चैटिंग वीडियो छोड़ के यही सब करेगा तू और एडिटिंग को सुबह करेगा फिर।